गुड इवनिंग एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चैनल के ऊपर जिसका नाम है साइको प्रोफेसर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी बीपीएससी तैयारी 3.0 के अंदर आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस प्रकार से आप जो है आगामी परीक्षा के लिए आप अपनी तैयारी करें, ताकि आपके पास अभी बचे हैं लगभग 6 से 7 महीने, और इन 6 से 7 महीनों के अंदर आप कितनी मेहनत करके आप कितना वहाँ पे फल प्राप्त कर सकते हैं, कितनी वहाँ पर आप जो है अच्छे तरीके से आप जो है यहाँ पर पीजीटी एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ओके। उसी के साथ साथ हम बात करेंगे आपका लास्ट 2 टाइम से क्या कट ऑफ रहा है, और इस बार इसके क्या रहने की संभावना है, कितनी आपको तैयारी वगैरह करना चाहिए, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। उसी के साथ साथ हम बात करेंगे आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, कौन कौन सी आपको बुक्स पढ़नी चाहिए, उन सब के बारे में भी। ठीक है, और किस प्रकार से आपको ये जो यूट्यूब चैनल है, ये जो आप इसको चैनल समझे, जो भी समझे इसको आप, ठीक है, यहाँ से आप किस प्रकार से मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं, उन सब के बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, ओके। उससे पहले अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर अभी तक आपने यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप बनाया है तो उस टेलीग्राम ग्रुप को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पे आप क्लिक करते ही जो है टेलीग्राम चैनल पे आप जो है रीडायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और वहां से आपको चैनल पे आने वाली जो भी अपडेट्स वगैरह जो भी हैं उनके बारे में आपको वहां पर जानकारी सूचना वहां पे आपको मिल जाएगी आपके बीपीएससी पीजीटी से संबंधित, और अगर आप यहां पे एस्टेट की परीक्षा दे रहे हैं तो उससे संबंधित सूचनाएं भी जो है वहां पे प्रकाशित की जाएंगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। इसको हम कुछ फेजेस में देखेंगे यहाँ पर, कि अलग अलग चरणों में हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी। ठीक है, ओके। उससे पहले यहाँ पे एक और बात है कि आप जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा का पूरा नाम क्या है, बीपीएससी TRE 3.0। तो क्या इसकी एग्जाम डेट आ चुकी है, क्या इसकी एग्जाम की तारीख आ चुकी है? इसकी एग्जाम की तारीख अभी नहीं आई है, लेकिन संभावित क्या है, कहा गया है जो कैलेंडर में भी आपको दिखाया गया था, अगस्त के माह में होने वाली है। अगर हम बात करें लास्ट ईयर यानी कि आपका जो 2023 था, 2023 के अंदर ये परीक्षा कब हुई थी, ये हुई थी आपकी 26 अगस्त। ठीक है, 26 अगस्त को सर्वप्रथम पहली बार आपका जो है मनोविज्ञान बीपीएससी 1.0 के अंदर इसकी परीक्षा ली गई थी। ठीक है, सर्वप्रथम कब ली गई थी, 26 अगस्त। हो सकता है आपको कभी आज से 20 वर्ष बाद पूछे कि बिहार में जो है पहली बार परीक्षा कब ली थी। ठीक है, खैर आप उस टाइम तक शिक्षक बन चुके होंगे। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे लास्ट ईयर परीक्षा हुई थी 26 अगस्त को, इसके बाद नेक्स्ट परीक्षा कब हुई है, नेक्स्ट परीक्षा हुई है आपकी 15 दिसंबर को। ठीक है, 15 दिसंबर को यहाँ पर परीक्षा हुई है, और इसके बाद अब संभावित क्या है कि आपकी ये कब होगी परीक्षा, ये होगी आपकी अगस्त में, जिसको आप जानेंगे 3.0 के नाम से, या फिर अगर वो कुछ दूसरा नाम देते हैं तो फिर उस नाम से। ठीक है, तो ये परीक्षा तीसरी बार आयोजित की जा रही है। अगर हम बात करें यहाँ पे अभ्यर्थियों की, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे कम लोग देखने को मिले थे। ठीक है, सबसे न्यूनतम लोग जो थे यहाँ पे आपको देखने मिले थे, जिन्होंने एस्टेट तो खैर था या नहीं था उनके पास पता नहीं, लेकिन जिन लोगों ने क्या किया यहाँ पर वो हमारा विषय नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें पीजीटी के अंदर यहाँ पे काफी कम लोग बैठे थे। ठीक है, उसके बाद ये आंकड़ा ऊपर पहुंचा, लगभग 2000 तक गया इस बार। ठीक है, 2000 के करीब लोग जो थे उन्होंने इस परीक्षा को दिया यहाँ पर। ठीक है, जिसमें 1700 लोग जो थे वहां पर पास हो गए, और जो नहीं हो पाए वो अब कहाँ बैठेंगे। और यहाँ भी ऐसे केवल 50 लोग थे जो उन्होंने यहाँ पर पास नहीं किया, और यहाँ पे 2000 लोग ने एग्जाम दिया था, 1700 ने पास किया, अगेन 300 के आसपास एक आपका मोटा मोटी जो आंकड़ा निकल के आता है। ठीक है, वो, और उसके बाद यहाँ पर देखिए आपके जो भी अभी न्यू स्टूडेंट्स आएंगे, जो एस्टेट पास करके आएंगे, ठीक है, वो इस परीक्षा के अंदर बैठेंगे। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे 3.0 के अंदर संभावना ये है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है वो यहाँ पर ज्यादा रहने की संभावना है। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है सबसे ज्यादा रहेंगे 3.0 के अंदर, क्योंकि यहाँ पे 1.0 में जो फेल हुए थे वो भी बैठेंगे, 2.0 में जो फेल हुए थे वो भी बैठेंगे। ठीक है, 1.0 वालों का ये जो है आखिरी अटेम्प्ट होगा, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। ठीक है, अगर वो इस परीक्षा को 1.0 को नहीं निकाल पाते हैं तो अभी के हालात में जो है आप ये क्या है कि आप केवल 3 बार ही इसको अटेम्प्ट दे सकते हैं। ठीक है, केवल 3 बार ही आप इसको अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो यहाँ से अगर 1.0 में जो बच्चे बैठे थे उनका अगर 3.0 में नहीं हुआ तो अभी तक जो सूचना है, अभी तक जो जानकारी है, उस हिसाब से वो आगे परीक्षा जीवन में कभी इस तैयारी की नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो उनके लिए अलर्ट है, अगर आपने 1.0 में दिया था, आप फेल थे, तो आपको बहुत मेहनत करनी है अच्छे तरीके से, ताकि आप जो है यहाँ पर पीजीटी की जो सीट है उसको यहाँ पर प्राप्त कर लें। उसी के साथ देखिए 2.0 वाले जो थे उनका फर्स्ट अटेम्प्ट ये काउंट होगा, सेकेंड अटेम्प्ट ये वाला, और फिर अगर इसमें भी नहीं हो पाता है तो 3.0 या 4.0 जो आएगा आगे। ठीक है, नॉट 3.0, 3.0 जो सेकेंड अटेम्प्ट होगा, आगे जाके आपको
4.0 के अंदर आपको वहां पर तीसरा अटेम्प्ट देने को मिलेगा आखिरी बार, ठीक है। अब ये तीन अटेम्प्ट से बढ़ा के 5 अटेम्प्ट कर दें, लेकिन ये सब चीजें आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में है ये चीज, ठीक है। तो आप इसका मतलब ये जो है पुस्तक की बात कर रहे हैं, ठीक है, आपके हाथ में साइकोलॉजी है, तो आप इसका फायदा उठाएं और जो है अच्छे से तैयारी करें आने वाली परीक्षा के लिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आपको यहाँ ज्यादा देखने को मिलेंगे, लास्ट टाइम 2000 बैठे थे, हो सकता है इस बार 3000 के लगभग आपको देखने मिले, 2500, 3000, 3500, ये आंकड़ा कुछ भी जा सकता है, जितने लोग फॉर्म भरेंगे, जितने लोग बैठेंगे, जितने लोग पास करेंगे, अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, लेकिन मान के चलते हैं आपको जो यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे सीट की, सीट कितनी क्या है, तो देखिए अभी इसका कुछ ऑफिशियल डेटा वगैरह आया नहीं है, ठीक है। एक बार एसटेट की परीक्षा हो जाए तो एसटेट की परीक्षा के बाद वो बताते हैं कि इस बार कितने बच्चों ने एसटेट को पास किया है, ठीक है। फिर पीजीटी की जो है बीपीएससी वो भी बताता है कि कितनी सीटें हमारे पास खाली है, ठीक है, वो सब हम बात करेंगे आगे आने वाली अपकमिंग वीडियोस के अंतर्गत, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान होनी चाहिए, आपका फोकस किस पे होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए आपकी एक सीट के ऊपर, आपको केवल एक सीट से मतलब है, बाकी दुनिया में और कितनी भी सीटें हैं उससे आपको मतलब नहीं। आपको बस ये जानना है कि मुझे जो है अच्छा परफॉर्म करना है, मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा, ठीक है, जो भी आप हैं, ठीक है, आपको अच्छा परफॉर्म करना है और आपको आपकी एक सीट से मतलब है, बाकी दुनिया में कुछ भी होता रहे उससे आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। भले ही वहां पे 3000 सीटें हों, भले ही वहां पे 4000 सीटें हों, भले ही वहां पे 400 सीटें हों, ठीक है, और भले ही वहां पे 300 सीटें हों, आपको इससे कोई मतलब नहीं है, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें, ठीक है। और अगर आप बिहार से हैं तो आप अपने आपको लकी समझिए कि आपको ये सुनहरा अवसर मिल रहा है, सुनहरा मौका मिल रहा है, ठीक है, अगर आप बिहार से स्पेशली हैं तो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए फीमेल्स वगैरह को भी फायदा मिलता है, अलग कैटेगरी में है उसमें भी आपको फायदा मिलता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर आप केवल आप सीट के लिए सोच के परेशान हो रहे हैं तो आपको बताते हैं कि देखिए यूपी में होती है पीजीटी की परीक्षा, ठीक है, यूपी पीजीटी में इतनी मारा मार है कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। लास्ट टाइम जो हुआ था वो 7 सीट के ऊपर कॉम्पिटिशन था, ठीक है, परीक्षा तो हुई नहीं है अभी तक, लेकिन कितनी सीटें थी, 7 सीटें थी, और यहाँ पे भरने वाले आप समझ के चलिए हजारों में तादाद है, यहाँ पर है ना, 2-3 हजार नहीं, अच्छे खासे 15-20 हजार से ऊपर या जो भी है आंकड़े हैं, लेकिन आप ये मान के चलिए जितना आपके यहाँ बैठ रहे हैं उतना यूपी में, यहाँ पे देखिए कौन कौन आता है, पीजी वाले भी आते हैं और एमएड वाले भी आते हैं, ठीक है, तो आप सोचिए कितनी ज्यादा यहाँ पे तादाद होगी इस सीट के लिए, इन 7 सीटों के लिए वो जो यहाँ पे है ना जीने मरने की कस्में खा के तैयारी करते हैं यूपी पीजीटी के लिए। खैर एग्जाम अभी तक हुआ नहीं है लेकिन वो हमारा विषय नहीं है, यहाँ पे उस बारे में चर्चा नहीं करने वाले, हम चर्चा करने वाले हैं आप जो है आप किस कैटेगरी में है, कैटेगरी से मतलब आप जो है बिहार से बिलोंग करते हैं या अदर स्टेट से भी करते हैं तो आपके पास क्या है, ये आपके पास एक गोल्डन चांस है, आप इस बात को समझिए, ठीक है। 200 सीटें कम नहीं होती, आप ये देखिए पूरा यूपी जो है, यूपी प्लस बाहर के जो लोग हैं वो यहाँ पे अगर करते हैं फाइट इसके लिए केवल 7 सीटों के लिए, ठीक है, तो कहाँ पे 7, और आपके पास 700 प्लस सीटें रहती हैं आपके पास बीपीएससी के अंदर, ठीक है। तो आपको केवल क्या करना है, आपको केवल इतना सा करना है कि आपको सीरियस होकर बस पढ़ लेना है अगले आने वाले 6-7 महीनों के अंदर, और सीरियस होकर पढ़ना है वो भी सही चीजें पढ़ना है, इसका भी आप यहाँ पर ध्यान दें, ठीक है। क्यों पढ़ना है, क्योंकि देखिए अभी तक केवल ये बिहार के लोगों को मालूम था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है बिहार से यूपी वाले, देखिए यूपी वाले भी जो है ज्यादा आएंगे यहाँ पे, देन आपका जो राजस्थान वाले हैं वो भी यहाँ पे ज्यादा आएंगे, देन आपका हरियाणा वाले भी यहाँ पे ज्यादा आएंगे, ठीक है, बंगाल से भी कोई आ सकता है ना, उड़ीसा से भी कोई आ सकता है, मतलब यहाँ पे जो लोग हैं अब ज्यादा आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। तो ये लोग आएंगे तो क्या करेंगे, डेफिनेटली आपका इनके राज्य में वैकेंसीज वगैरह नहीं निकल रही, कम निकल रही, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे अटैक करेंगे, तो क्या करेंगे आगे जाके ये आपका जो है कट ऑफ वगैरह इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको अच्छे से पढ़ना है, जितने ज्यादा लोग परीक्षा में बैठेंगे उतना लोग पढ़ के आएंगे, आगे जाकर जो है आपका यहाँ पर कंपटीशन इंक्रीज होगा, ठीक है। तो आप लोग के पास एक गोल्डन चांस है यहाँ पे, जो भी आपके कई बार ऐसा देखा गया है लोग पूछते हैं कितनी सीटें वगैरह हैं, तो उससे आपको परेशान नहीं होना है, आपको मतलब किससे होना चाहिए, आपको केवल 1 सीट माई सीट, ठीक है, आपको इससे मतलब होना चाहिए कि एक जो सीट है भले ही वो किसी की भी हो वो मेरी होके रहेगी, बस इतना आप कॉन्सेंट्रेट करें आपको पीजीटी 3.0 में आराम से सक्सेस मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप ये सोचें कि मेरी कैटेगरी में 500 है, दूसरे वाले के में 400 है, तो मैं जलूं अपना, ठीक है, तो दूसरे की झोपड़ी देख के आप अपना महल जलाएं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें, आपको केवल मतलब होना चाहिए अपनी एक सीट से, ठीक है। आप इतने कैपेबल हो जाइए कि आप अच्छी तरह से पढ़ाई करिए, 70-80 नंबर ले आइए आप पीजीटी के अंदर, ठीक है, इस बार आप 70-80 अगर आप ले आए तो आप जो है सेफ साइड पे रहेंगे, अभी तक जैसा लोग पढ़ाई कर रहे हैं उस हिसाब से, ठीक है। ये अगर आप कट ऑफ ले आते हैं, मतलब अपने जो मार्क्स है वो लेके आते हैं आप पीजीटी 3.0 के अंदर, तो आपको कोई नहीं रोक रहा सरकारी शिक्षक बनने से, ठीक है, बिहार के अंदर। तो इसको भी यहाँ पर आप ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें आने वाले समय के अंदर, ठीक है। तो ये पूरा जान लिया आपने सीट वगैरह के बारे में, कंपटीशन कैसा क्या रहेगा उस बारे में, ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं यहाँ पर किस चीज के बारे में, हम देखते हैं यहाँ पे आपकी बीपीएससी की वेबसाइट, ठीक है, आपको ये दिख रही है वेबसाइट, यहाँ से आपको मतलब होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो ऑफिशियल रहेगी, ऑथेंटिक रहेगी, आप उसी को मान्य करें, इसके अलावा कुछ भी जो चीजें चल रही है बकवास
उस पर आप बिल्कुल भी कतई रूप से किसी भी तरह से उस पर बिल्कुल भी आप ध्यान ना दें। ठीक है, यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी, जो भी अपडेट आएगी, वो ऑफिशियल रहेगी और वो करेक्ट रहेगी हमेशा, अनटिल अनलेस वो कोई नया नोटिफिकेशन निकाल के आपको देते हैं। आपको मानना किसकी बात है, केवल आपको बात मानना है बीपीएससी की, जो ये बोलेगी वैसा ही आपको जो है फील करना है और उसी प्रकार से आपको जो है एक्ट भी करना है। ठीक है, तो इस वेबसाइट से आपको मतलब रखना है, अगले 6 से 7 महीने में इसको चेक करते रहें जो भी अपडेट वगैरह आएगी। और उसी के साथ अगर आपने इसको सब्सक्राइब करके रखा है तो आपको पीजीटी से संबंधित बाकी सारी डिटेल्स भी आपको वहां पर मिल जाएंगी आपकी परीक्षा से संबंधित। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है इस बार। वो तो अभी बताया नहीं है, लेकिन लास्ट टाइम के हिसाब से आपका 30 था लैंग्वेज का ई सेक्शन, फिर था आपका 40 जीएस का सेक्शन, और फिर था आपका 80 वाला जो था वो आपका सी सेक्शन आपके साइकोलॉजी का। ठीक है, इन दोनों को मिला के आपकी मेरिट बनाई थी 120 नंबर्स के ऊपर। ठीक है, और बाद में इसको फिर ज्यादा कैंसिल आउट कर दिया था, लेकिन देखा गया था कि इन दोनों के अंदर भी जो है आपको अलग अलग से क्वालिफाई करना है। कैसे क्या करना है आपको पहले बता दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो है पेपर का पैटर्न रहेगा, 120 नंबर से आपका जो है लाने होंगे आपको नंबर। ठीक है, ओके, बात करते हैं। देखिए यहाँ पर हम कट ऑफ के बारे में, कट ऑफ क्या था सबसे पहली बार देखिए, सबसे पहली बार बात करें टीआरई 1.0 के अंदर आपका कट ऑफ था यहाँ पे 39। कट ऑफ कितना था, 39 था। वो क्या था, ऑल कैटेगरीज, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो सबके लिए 39 था। तो जिन भी लोगों ने पास किया है उनको बहुत बहुत बधाई यहाँ पे। देन बात करें यहाँ पर नेक्स्ट टाइम क्या था कट ऑफ, नेक्स्ट टाइम जो कट ऑफ था वो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग रूप से दिया गया था। अनरिजर्व की बात करें तो आप यहाँ मान के चलिए 45 था अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। ठीक है, फीमेल्स के लिए कहीं कहीं पे 39 था, कहीं कहीं पे 44 था, इस प्रकार की चीजें भी थी, इसको आपको ध्यान रखना है। लेकिन आइडियली मान के चले 45 के ऊपर कुछ भी नहीं था, 45 जो था आपका वो क्या था, जनरल के लिए आपका कट ऑफ था अनरिजर्व के लिए। और आप मान के चलिए यहाँ पे जो 3.0 होने वाला है यहाँ पे कट ऑफ 50 प्लस जा सकता है बड़ी ही आसानी से। ठीक है, केवल यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो टाइम था केवल 2-3 महीनों का था पढ़ाई करने का, और यहाँ पे 6 से 7 महीनों का टाइम है। ठीक है, तो डेफिनेटली आपका 50 प्लस इंक्रीज जाएगा कट ऑफ, इस बात को आप मान के चलिए, ध्यान रखिए। और उसी के साथ साथ पेपर जो था वो भी टफ था एज कम्पेयर टू 1.0 के कंपेरिजन में। अगर हम करें 2.0 टफ था, और 2.0 के कंपेरिजन में करें 3.0 अगेन यहाँ पे टफ रहने वाला है, लेकिन यहाँ पे जो बच्चे हैं वो ज्यादा पढ़ के जाएंगे, इसलिए पेपर भी उस प्रकार से यहाँ पर सेट किया जाएगा। ठीक है, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें। ठीक है, तो आपको अच्छे से मेहनत करनी है, 50 प्लस तो आपको मिनिमम लाना ही है अगर आप अपने आपको सेफ साइड में रखना चाहते हैं तो कम से कम। ठीक है, जैसे कि आपको क्या बता रहे थे लास्ट टाइम, अगर कोई 2.0 से फॉलो कर रहा है इस वीडियोस को हमारे, तो उनको बताया था कि आपको क्या करना है, पहला आपका होना चाहिए उद्देश्य आप 39 नंबर पास करें, नेक्स्ट क्या होना चाहिए कि आप 48 आंकड़े को पार करें। ठीक है, इन दोनों के बीच देखिए आपका कट ऑफ रह गया यहाँ पर 45 में अनरिजर्व में, तो ये आपको बताया था। तो जिन लोगों ने पहले इसको प्राइमरी प्राप्त कर लिया उनको देखिए, कुछ फीमेल्स जो थी जो पास हो गई यहाँ पे, एंड जिन्होंने 48 पास किया वो किसी भी कैटेगरी में उनको यहाँ पर सीट मिल चुकी है पीजीटी के अंदर। ठीक इसी प्रकार से आपको जो है अब मिनिमम क्या ध्यान रखना है, मिनिमम आपको ध्यान रखना है 50 नंबर, क्या 50 प्लस लेके आएंगे, ये आपका मिनिमम है ना, कम से कम बोल रहे हैं आप। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जितना लाएंगे उतना आपके लिए फायदेमंद है। कम से कम पहला क्राइटेरिया जो है आपका क्या होना चाहिए कि आपके 50 प्लस नंबर आने चाहिए 3.0 के अंदर, तो ही आप ये कहिएगा कि आपकी तैयारी अच्छी हो रही है। ठीक है, आप भले ही आप किसी भी कैटेगरी से हो, 50 के ऊपर अगर आप ला रहे हैं तो आप जो है एक अपने आप को मान सकते हैं कि हाँ हमने अच्छी खासी तैयारी की है। अब ये ऊपर कितना भी जा सकता है, 60 भी जा सकता है, 60 प्लस भी जा सकता है, 65 प्लस भी जा सकता है, समय के साथ देखते हैं कितने बच्चों ने पास किया, वो सब चीजें भी यहाँ पर मैटर करेंगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है पहला चीज क्या होनी चाहिए आपकी, पहली चीज होनी चाहिए आपकी कि आप 50 नंबर जो है यहाँ पर मिनिमम आपके आने चाहिए, आप इसको पास करने चाहिए। ठीक है, 50 नंबर यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे अपर लिमिट कितनी होगी वो सब बात करेंगे हम आगे आने वाली अपकमिंग वीडियोस के अंतर्गत। लेकिन पहला जो है आपका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि आपके 50 नंबर आने चाहिए। 50 नंबर अगर आपके आएंगे, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, आप बिहार से हैं, यूपी से हैं, राजस्थान से हैं, हरियाणा से हैं, दिल्ली से हैं, एमपी से हैं, कहीं से भी आप हो, किसी भी राज्य से आप हो, 50 जो है आपको यहाँ पर मिनिमम टारगेट रखना है कि आपके 50 नंबर्स तो आपके आने चाहिए। ठीक है, और पीजीटी का पेपर देखिए लास्ट टाइम की तरह ही होगा और उससे थोड़ा सा और टफ होगा, इस बात को भी आप यहाँ पर ध्यान रखिए। ठीक है, ईजी तो नहीं जाने वाला, देखिए लास्ट टाइम जो टॉपिक्स नहीं पूछे गए थे उनके पूछने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, वो सब हम देखेंगे अपकमिंग वीडियोज में जैसे जैसे है। यहाँ हम बात कर रहे हैं आज अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में, तो आपने सब कुछ जान लिया है आपकी परीक्षा के बारे में। ठीक है, आपको ये मालूम है कि आपकी लड़ाई किससे है, आपकी लड़ाई है इसके जो पेपर सेट होने वाला है उससे। ठीक है, जो इसका पेपर सेट होगा लड़ाई आपकी है, कितने नंबर लाने हैं, कैसे क्या पहुंचेंगे, क्या सारी चीजें हैं वो आपने जान लिया। अब सवाल ये उठता है कि आप तैयारी करें कैसे। ठीक है, तैयारी नहीं, तैयारी आप इसकी करें कैसे वो आपको बताते हैं यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपको दिख रही है यहाँ पे ये एक चीज। ठीक है, ये चीज दिख रही है आपको, ये क्या दिख रहा है, बिहार पीजीटी एस्टेट साइकोलॉजी 2023। ठीक है, ये आप जाएंगे चैनल के ऊपर, तो चैनल के ऊपर आपको जो है यहाँ पे इस प्रकार से
आपको चैनल के ऊपर यहाँ पे प्लेलिस्ट, ये होम दिख रहा है, ये वीडियोस दिख रहे हैं, ये शॉर्ट्स दिख रहा है, ये प्लेलिस्ट दिख रही है, ठीक है। तो ये जो प्लेलिस्ट दिख रही है आपको, यहाँ पे जाके आप ये वाली प्लेलिस्ट ढूंढेंगे यहाँ पर जाकर, ठीक है। ये जो है आपका बिहार पीजीटी एस्टेट साइकोलॉजी 2023, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितने वीडियोज हैं, 63 वीडियोज हैं। क्या ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपकी तैयारी के लिए? यस, सारे के सारे वीडियोज जो है आपके इंपॉर्टेंट है, भले ही वो अपडेट वाला हो तो उसको देख के आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप वीडियो ध्यान से देखिएगा। काफी सारी चीजें हिडन उसके अंदर भी होती है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और जो आपकी काम की ही होगी, इसलिए आप उसको देखिए। सारे जो 63 वीडियोज हैं इनको आप देखिए, ठीक है। प्लस उसके साथ ये जो 7 वीडियोज हैं इनको भी आपको अच्छे से देखना है, बिहार स्टेट बीपीएससी पीजीटी 2024, है ना। ये दो प्लेलिस्ट को क्या करिए, आप इसको सेव कर लीजिए, जैसे भी आपको करते आता है सेव कर लीजिए, मार्क कर लीजिए, ठीक है। और इनको देखते रहिए बार 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 अगले 6 से 7 महीनों के अंदर, ठीक है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, आपने हमारा कोर्स वगैरह ज्वाइन नहीं किया हुआ है, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है, लेकिन तो भी आपको इन वीडियोज को देखना है, ठीक है। आपको इन वीडियोज को देखना है बार 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 बार, जितना ज्यादा बार आप देखेंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर के पीवाईक्यू सॉल्व है ना, आपका पेपर सॉल्व है, आपका एस्टेट वाला भी है, इसमें बीपीएससी पीजीटी जो दो पेपर हुए हैं यहाँ पे सॉल्व है, ठीक है। उन सबको आप देखें, सवालों को देखें, किस प्रकार से पूछा गया है, रॉन्ग आंसर की कैसे दी जाती है, सही आंसर की कैसे होती है बाद में, वो सब भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो समझिए आपके लिए सोने की खान है एक प्रकार से, ठीक है, कि आप जो है यहाँ से जितना आप फायदा ले सकते हैं लीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे 1000 लोग देखेंगे, 1000 में से केवल 60, 70, 80, 90 ही लोग ही, या ज्यादा लोग भी हो सकते हैं जो इसका फायदा उठाएंगे, ठीक है, भरपूर। तो जितना आप इसका फायदा उठा सकते हैं इस प्लेलिस्ट का, उठाइए, यहाँ पे काफी काम की चीजें हैं यहाँ पर, है ना। सेलेक्टिवली करके उनको देखिए, जो आपको लगता है कि हाँ ये हमारे काम में आएगा, उन वीडियोज को आप सेव करते जाइए, वहां पे आप प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए। उसी के साथ साथ ये जो एस्टेट और बीपीएससी पीजीटी दोनों चल रहा है यहाँ पे, ये भी 7 वीडियोज हैं, ये भी आपके लिए काम की हैं। कल के वीडियो में आपको बताया था किस प्रकार से आपका एस्टेट का सवाल भी आता है कहाँ पे, आपके बीपीएससी के अंदर, ठीक है। तो आपके लिए ये परीक्षा भी इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा भी इंपॉर्टेंट है, एंड जो फर्स्ट टाइमर वाले हैं उनके लिए ये दोनों ही प्लेलिस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप बीपीएससी टीजीटी नॉट टीजीटी बीपीएससी पीजीटी की परीक्षा देने वाले हैं 3.0 के अंदर, या आगे किसी भी समय आप परीक्षा देंगे, तो ये जो प्लेलिस्ट बन चुकी है, एक 23 वाली और एक 24 वाली, ठीक है, और आगे जो बनती रहेंगी, वो सब आपके लिए क्या है, वो सब आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो सब क्या है, वो सब आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप देख के जाएंगे, और जो नहीं देख के जाएगा उनके स्कोर्स में डिफरेंस आएगा डेफिनेटली, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे फ्री में पढ़ा हुआ है, बस फर्क कितना है, फर्क ये है कि आप इसको प्रॉपरली आप यहाँ पे उसको देखेंगे, ठीक है, ओके। उसी के साथ देखिए एक और जो अगली बात हम करने वाले हैं यहाँ पे, वो किसके बारे में है, ये तो आपने जान लिया चैनल से आपको कैसी मदद होगी। उसी के साथ देखिए आपको यहाँ पर, और जो अभी डेली वीडियोस आएंगी उनको भी आप देखते जाएं प्रॉपरली टाइम शेड्यूल से, टेलीग्राम पे जो है अपडेट वगैरह आपको मिल जाता है कब क्या वीडियो कैसे क्या आने वाली है, ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम बात करें आपकी बुक्स के बारे में, कि आपकी पीजीटी के लिए कौन सी बुक्स हैं आपको जो काम आएंगी, उनके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिए आपको प्राथमिकता देनी है किसके ऊपर, आपको एनसीईआरटी के ऊपर आपको जो है यहाँ पर प्राथमिकता देनी है, ठीक है। एनसीईआरटी आपकी 11वीं की और 12वीं की, ये आपके हाथों में होनी चाहिए, ठीक है, या फिर पीडीएफ फॉर्म में जैसा भी आपको करना है, ये आपके पास होनी चाहिए, फिजिकल रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहता है। 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी आपको पढ़ना है, कम से कम जितना मैक्स टू मैक्स हो सकता है उतना आप पढ़ें, ठीक है, जितना मैक्सिमम हो सकता है पढ़ें। टीआरई 1.0 के अंदर अगर आप जो प्लेलिस्ट बताई गई है वहाँ के 23 और 24 वाली, उन वीडियोज को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। टीआरई 1.0 के अंदर 45 से 50 सवाल कहाँ से थे, आपके एनसीईआरटी से थे, बताइए हो आपको। टीआरई 2.0 के अंदर 35 टू 40 सवाल थे, कहाँ से थे, आपके एनसीईआरटी से, बताइए हो आपको। 3.0 के अंदर भी देखिए आपको 25 से 30 सवाल अगेन आपको देखने मिलेंगे, कहाँ से, आपको देखने मिलेंगे एनसीईआरटी से, ठीक है। अब यहाँ पे स्पष्ट तौर पर बता दिया है कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, सवाल आए थे और आगे भी आएंगे, अभी आपके ऊपर है आप इस बात को कितना अच्छे से समझ लेते हैं, या फिर आप जो है दुनिया भर की चीजें पढ़ने में आप लगेंगे तो नुकसान किसका होगा, नुकसान होगा केवल आपका, ठीक है। आपको सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ने हैं अलग अलग जो आए हैं, जैसे निद्रा के बारे में, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के बारे में, ठीक है, वो सब आपको पढ़ना है बाद में, लेकिन पहले क्या पढ़ना है आपको, पहले पढ़ना है आपको बेसिक चीज, और वो क्या है, वो है आपकी एनसीईआरटी। जिन लोगों को लगता है कि एनसीईआरटी का पढ़ने से हमारा जो है यहाँ पे कुछ नहीं होगा, उनके लिए बता दें यहाँ पे आप जो है यहाँ पर आपको आत्मविश्वास है, और किस चीज का आत्मविश्वास है आपको, वो आप प्लेस देखेंगे तो वहां पे आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे, पहली जो प्राइमरी चीज है वो क्या है, वो है आपको यहाँ पर एनसीईआरटी कंप्लीट करना है कवर। ये जब कवर हो जाए आपकी अच्छी से, ठीक है, इसको एक बार पढ़ें, दो बार पढ़ें, तीन बार पढ़ें, चार बार पढ़ें, पांच बार पढ़ें, पांच बार 11वीं, पांच बार 12वीं कम से कम, ठीक है, तब जाके आप कह सकते हैं हाँ हमने एनसीईआरटी को, हमको बनती है ना, बनना शुरू हुई है तब आप ये कहेंगे,
और जितना आप मैक्स टू मैक्स करते जाएंगे एनसीईआरटी को उसमें उतना आपका फायदा है। ठीक है, सवाल वहीं से बनते हैं मैक्सिमम। ठीक है, ओके, तो इसका आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि आप इस एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद हम जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं आपके, ठीक है, वो आप जो प्लेलिस्ट देखने वाले हैं वहां से आपको मालूम पड़ जाएगा कौन से एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, उनको भी आप फिर अलग अलग करके जो है कवर करना स्टार्ट करें। ठीक है, वो आपका जो है मास्टर्स के स्तर की चीजें भी पूछते हैं, तो वो सब जो कहाँ से पूछते हैं वो सब आपके इन्हीं एक्स्ट्रा टॉपिक्स से वो आपको पूछते हैं। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है कहाँ से आते हैं आपके, आपके आते हैं एमए से और आपके आते हैं बीएड के सिलेबस से। ठीक है, जो भी आपका साइकोलॉजी वगैरह इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है वो सब यहाँ से आपको पूछते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है, ये होगी आपकी बुक लिस्ट, इस प्रकार से आप ध्यान दें इसको। ठीक है, किस प्रकार से आपको पढ़ना है, आपकी एनसीईआरटी जो है आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी। एंड देखिए इस बार किन लोगों का नहीं होगा आपको पता है, 3.0 के अंदर किन लोगों का नहीं होगा जो इसको अच्छे से नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, उनका नहीं होगा जो इसको अच्छे से नहीं पढ़ेगा, यही बता दे रहे हैं आपका, सॉरी बट आपका नहीं हो सकता अगर आपने इसको पढ़ के रखा हो अच्छे से। ठीक है, भले ही आपने पीजी में आपके 90% नंबर भी क्यों ना आए हो, लेकिन आपसे कुछ बेसिक सवाल छूट सकते हैं अगर आपने इसको कवर नहीं किया है अच्छे से तो। बट ऑब्वियसली बात है यहाँ की जो चीजें हैं वही एडवांस होकर आपको मिलती है यहाँ पर मास्टर्स में, या फिर आप पीएचडी वगैरह कर रहे हैं अगर आप तो उसके अंदर भी, ठीक है, या फिर जो भी आप कर रहे हैं मनोविज्ञान में। लेकिन अगर कुछ बेसिक सवाल आता है तो कहाँ से फंसेगा, शब्दावली जो देखी है, शब्दावली आपको दिखाई है उन वीडियोज में, शब्दावली जो रहती है वो कहाँ से आती है, आपकी एनसीईआरटी से ही आती है। ठीक है, तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे बार 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 तो आपको मालूम पड़ेगा कि अच्छा ये यहाँ से पूछा गया था। ठीक है, बाकी तो फिर क्या है, आप जो है यहाँ पे केवल अंदाजा ही लगाते रहेंगे। ठीक है, ओके, तो ये होगी आपकी बुक्स, तो हमने यहाँ पे बात कर ली आपके सिलेबस के बारे में भी, उसी के साथ साथ हमने बात कर ली आपके कट ऑफ के बारे में भी। ठीक है, और हमने बात कर ली आपकी किस प्रकार से आप जो है तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और इन सब में से एक और आसान तरीका क्या है, आसान तरीका अगर आप जाना चाहते हैं, ये सब आप कब करेंगे, आपकी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो, एक और आसान तरीका क्या है, वो है आपका यहाँ पर फाउंडेशन कोर्स। ठीक है, ये कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको करना ही है, नहीं करेंगे तो भी होगा, करेंगे तो भी होगा। ठीक है, तो फिर तो डेफिनेटली होगा, पूरा प्रयास रहेगा यहाँ पर। ठीक है, इसका आपको ध्यान देना है, अगर आपको थोड़ी भी दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है, अकेले कैसे करें, थोड़ा सा आपको कुछ चाहिए चीजें, तो आप इस फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जो रहेगा आपका केवल पीजीटी के लिए। ठीक है, और पीजीटी के लिए इसकी प्राइस कितनी है, प्राइस है इसकी आपकी ₹2,999 ओनली। ठीक है, मात्र इतने रुपए में आपको देखिए लगभग आपको 8 महीने मिल रहे हैं अभी से। ठीक है, 8 महीने मिल रहे हैं अभी से, तो इसका आप जो है लाभ उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी क्या रहेंगी आपकी चीजें, आपकी एनसीईआरटी रहेगी, आपके स्पेशल वीडियोस रहेंगे। ठीक है, फिर आपके जो मॉक टेस्ट हैं जो मार्च के बाद स्टार्ट होंगे, एस्टेट का होने के बाद वहां से आपके मॉक टेस्ट भी स्टार्ट होंगे, और काफी सारी चीजें मतलब आपके पीजीटी को पास करने के लिए आपको जो भी चाहिए है वो आपको मिल जाएगा केवल इस कॉस्ट के अंदर। ठीक है, और ये देखिए 8 महीने का प्रोग्राम है, तो अगर आप 8 से इसको डिवाइड करते आपको आता है तो आप कर लीजिए पर मंथ आपको इतने का पड़ेगा। ठीक है, लेकिन पेमेंट आपको जो है इसकी एक बार में वन टाइम में आपको यहाँ पर करनी होगी। ठीक है, ये इसको कर लेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपके टेलीग्राम ग्रुप में आ रहा है। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप पेमेंट करेंगे सबसे पहले, देन स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे आप, देन थर्ड में आप एडमिशन फॉर्म फिलअप करेंगे, फोर्थ में आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे, उसके बाद आपको जो है कुछ भी नहीं करना है, जो आपके टेलीग्राम ग्रुप में आ रहा है सुबह शाम जैसे भी अपडेट आ रही है आपके टेलीग्राम ग्रुप में उसको बस जो है आपको फॉलो करना है अगले 6 से 7 महीने के अंदर, जो जो वहां बताया जाए, जो जो वहां बोला जाए उसको आप फॉलो करिए चुपचाप से। आपको देखिए यहाँ पे पीजीटी में आपको जो है कोई नहीं रोकने वाला। ठीक है, पीजीटी आपका इजीली निकल जाएगा, बड़े ही आराम से निकल जाएगा, बस क्या करना है टेलीग्राम में जो आ रहा है ना बिना किसी चीज के आपको जो है उसको फॉलो करना है जस्ट 6 से 7 महीने। ठीक है, लास्ट टाइम भी लोगों ने देखिए इसको फॉलो किया, लास्ट टाइम तो 2-3 महीने लोगों ने फॉलो किया, कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 15 दिन पहले ज्वाइन किया था, आपको पता है 15 दिन पहले, 8 दिन पहले, ठीक है, 7 दिन पहले, 20 दिन पहले, ऐसे बच्चों ने भी ज्वाइन किया था एंड देन उनका जो है यहाँ पे पीजीटी में हो गया, रिजल्ट हो गया, उनके नंबर कैसे आए पता है, 44, 45 इस प्रकार के नंबर आए। क्या किया उन्होंने, उन्होंने एनसीईआरटी अच्छे से कवर की जिस प्रकार से हमने कवर कराई है वीडियोज में, है ना, और इन्होंने किसी ने भी जो है लाइव क्लासेस नहीं ली थी, सारे ने ही रिकॉर्डेड क्लासेस देखी थी, वहां पे 65 नंबर वाले भी हमारे बच्चे थे। ठीक है, 65, 66 ऐसे नंबर भी आए थे बच्चों के। क्या किया उन्होंने, केवल एनसीईआरटी जो हमने पढ़ाई है उन वीडियोस में उसको पढ़ा, जो पॉइंट्स बताए गए वहां पे उनको नोट डाउन किया, फिर स्पेशल वीडियोस देखे, और स्पेशल वीडियोस के बाद फिर क्या किया, फिर वहां पे मॉक टेस्ट लगाए, और मॉक टेस्ट भी ज्यादा नहीं लगाए, वहां पे आपके 6 जो मॉक सवाल थे आपके सीधे सीधे आपके मॉक टेस्ट से फंसे थे, 6 नंबर कम नहीं होते हैं। ठीक है, 6 मार्क्स जो है कम नहीं है, याद रखिए अगर आप 45 पे हैं और आपने 6 मार्क्स मिस कर दिए तो आप 39 पे आ जाएंगे। ठीक है, और हो सकता है कट ऑफ से बाहर भी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये सब जो चीजें हैं ये सब काम देंगी कब, जब आप इसको ज्वाइन करेंगे देखेंगे, और क्या करना है इसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, अगर आप फॉलो नहीं करेंगे यहाँ वहाँ की चीजें उठपटांग चीजों में आप लगे रहेंगे, ठीक है, तो आपका यहाँ पर
फिर भी आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान देना है। और आपको क्या करना है, इन वीडियोस को आपको सीरियसली लेना है, एक एक मिनट को, हर एक प्रत्येक चीज जो है यहाँ पर आपके लिए कीमती रहेगी, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। भले ही वो वीडियो 30 मिनट्स का हो सकता है, एक घंटे का हो सकता है, 25 मिनट्स का हो सकता है, 45 मिनट्स का हो सकता है, लेकिन जितनी वहां पर उस टॉपिक में उसकी जगह पर उसकी आवश्यकता है उतना ही वहां पर बताया गया है, ना उससे एकदम ज्यादा बताया गया है ना उससे कम बताया गया है, ठीक है। जितना सिचुएशन की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ही वहां पर उसको डील किया गया है, ठीक है। आपको केवल क्या करना है, आपको उसको चुपचाप बैठ के बस फॉलो करना है, ठीक है। अगर आपने प्रॉपरली फॉलो कर लिया उन चीजों को, वो जो बताया जा रहा है वहां पर उसको प्रॉपरली फॉलो कर लिया, तो आप मान के चलिए आप टीआरई 3.0 में आप अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। टीआरई 3.0 में आप अच्छा स्कोर करेंगे। अब देखिए आपका जीएस का तो हम कुछ नहीं कह सकते, जीएस में आप कैसा करेंगे, बट हाँ ये है कि आपका जो 80 मार्क्स का होने वाला है, 80 मार्क्स में आप जो है यहाँ पे अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। 80 मार्क्स में आप जो है स्कोर करेंगे। हमारे ही लास्ट टाइम के स्टूडेंट्स थे, 40-40, 42-42 लाए हैं केवल साइकोलॉजी के अंदर, और 20 नंबर लेके आए हैं कहाँ पे, आपके जीएस में, ठीक है। कितना हो गया, 63, 64, 65 इस प्रकार के नंबर हो गए। तो खाली आपका जो साइकोलॉजी का स्कोर है वो आपको कट ऑफ में काफी कितनी मदद करेगा आपको अंदाजा नहीं है, लेकिन क्या किया इन लोगों ने, इन लोगों ने चुपचाप फॉलो किया, जो बताया जा रहा है उसको फॉलो किया, जो एक्स्ट्रा वीडियोस डाले गए थे उसको फॉलो किया, ठीक है। इस प्रकार की चीजें आपको करनी है। तो अगर आप करना चाहते हैं फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन, तो नीचे स्टेप्स दिए हुए हैं, बिना किसी सवाल और जवाब के उस जो स्टेप्स दिए गए हैं उनको फॉलो करें। नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस ये आपको क्या हो जाएगा, आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है वो सब आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट में वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। नहीं करेंगे, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, पहले भी बोला है, सेल्फ स्टडी से भी लोगों ने निकाला है, आप भी निकाल सकते हैं। चलिए आपको कैसे निकालना है वो आपको ऑलरेडी बता दिया गया है, क्या सारी चीजें आपको करनी है। उसी के साथ साथ देखिए फ्री वीडियोस वगैरह आती रहेंगी, तो उनको भी आप देखते रहें, और चैनल की जो सारी वीडियोस हैं उनको देखना भी आपके लिए, अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए जरूरी है, ठीक है। चैनल पर जितने भी वीडियोस हैं उनको भी अगर आपने देख लिया तो आपका यहाँ पर हो जाएगा पीजीटी के अंदर, लेकिन आपने क्या किया हो उसको प्रॉपरली देखा हो और प्रॉपरली आपने उसको रिवाइज किया हो, ठीक है। इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं इस फाउंडेशन कोर्स के अंदर, तो नीचे स्टेप्स दिए गए हैं, आपको पेमेंट कितनी करनी है बता दी गई है, चुपचाप से उसको फॉलो करें, जो बताया जा रहा है जैसे भी वीडियोस आ रहे हैं, है ना, तो उसको फॉलो करें, एंड इन्हीं वीडियो से देखिएगा आप ही में से कई लोग जो है इस पीजीटी के अंदर सफल होंगे, ठीक है। और सफल कौन नहीं होंगे, जो इन वीडियोस को सीरियसली फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, और उनको लगेगा कि जो है एनसीईआरटी हमारे किसी काम की नहीं है, हमको और कुछ चीजें पढ़नी है, उनको जो है यहाँ पर निराशा का सामना करना पड़ेगा 3.0 के अंदर। तो अगर आप चाहते हैं ना करें तो आप इसको ज्वाइन करिए, सिंपल स्टेप में ज्वाइन करिए, जो बताया जा रहा है उसको फॉलो करें, एंड पेपर को यहाँ पर इजीली कट ऑफ के ऊपर जाएं, ठीक है। बस इतना ही करना है आपको, और कुछ नहीं करना। बाकी यहाँ बता दिया है सेल्फ स्टडी वाले कैसे करें वो भी आपको बता दिया है, कौन कौन सी प्लेलिस्ट है वो फॉलो करनी है वो भी आपको यहाँ पर बता दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर देखिए एक बात और कि आपको ये प्लेलिस्ट तो फॉलो करनी है, ये भी करनी है, ठीक है। एंड जो आप कोर्स ज्वाइन करेंगे, कोर्स ज्वाइन करने के बाद देखिए आपको मिलेंगे ऐसे लेक्चर्स, ठीक है, बीपीएससी पीजीटी साइकोलॉजी स्पेशल लेक्चर, आपको यहाँ 13 वीडियोस डले हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 13 वीडियोस हैं ये भी आपको मिलेंगे, कब, ये आपको मिलेंगे फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करने के बाद, ठीक है। यहाँ जो आपको ऊपर ज्वाइन का बटन दिखता है उसको करने से आपको ये नहीं मिलेगा, ध्यान से सुनिए, कान खोल के सुनिए, यहाँ पे जो आपको ज्वाइन का बटन दिखता है बाय मी या चाय पेट्रियन 89 रुपीज का, उसको ज्वाइन करने से ये वाली प्लेलिस्ट नहीं खुलेगी, इसको आप ध्यान रखिए, ठीक है। इसको ज्वाइन कर लेने से ये वाली प्लेलिस्ट आपकी नहीं खुलेगी, ठीक है। आपकी ये वाली कब ओपन होगी, तब ओपन होगी जब आप क्या ज्वाइन करेंगे, जब आप फाउंडेशन कोर्स इसके अंदर ज्वाइन करेंगे, उसके बाद ही आपकी ये वाली प्लेलिस्ट जो है यहाँ पर ओपन होगी, ठीक है। ये जो है आपके फाउंडेशन कोर्स का पार्ट है, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। अभी यहाँ देखिए केवल 13 ही है, और ये इस साल जो है यहाँ पे 25-30 तक भी पहुंचेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है कॉम्पिटिशन बढ़ने वाला है, तगड़ी चीजें आपको पढ़ानी होंगी, तो वो सब चीजें यहाँ पर आपके लिए इंक्रीज की जाएंगी, 13 से आपकी 25 हो जाएगी यहाँ पर, डेफिनेटली 25 तो मिनिमम होगी ही, है ना, और उसके ऊपर कितनी हो सकती है उसकी कोई सीमा नहीं है, 250 भी जा सकता है और 26 भी जा सकता है, ठीक है, लेकिन 25 तो मिनिमम यहाँ पर होगी। तो आप इतनी सारी स्पेशल वीडियोस देखेंगे उसका भी आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखें। तो इस प्रकार की होनी चाहिए आपकी कंप्लीट स्ट्रेटेजी अगले 6-7 महीनों के लिए, ठीक है। अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए क्या पढ़ना, एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, बोरियत होगी होने दीजिए, एक बार इतने महीने आपने पढ़ लिया इसको प्रॉपरली तरीके से, तो आपको पीजीटी में कोई नहीं रुकेगा, इसको आप ध्यान रखें। प्लस आपके जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं उसको करें, प्लस आपको जो प्लेलिस्ट बताई गई है दो उनको फॉलो करें, प्लस जो है यहाँ पे पीवाईक्यूज लगाई हैं, ठीक है, ये सब करें, ठीक है। ये इनकी किसकी बात कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी वाले की बात कर रहे हैं, जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं करिए, ये सब चीज़ें बुक्स आपको बता दी गई हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा चीज़ें आपको क्या करनी है बता दी गई हैं, प्लेलिस्ट फॉलो करनी है वो बता दिया गया है, पीवाईक्यूज करने हैं आपको लगाने हैं, एसेट के भी लगाइए,
प्लस आपके जो है आपके पीजीटी के दो पेपर हुए हैं उनकी भी लगाइए, है ना। इतना ही कर लेंगे आपको, तो देखिए आपका स्कोर ड्रामेटिकली नहीं, ड्रास्टिकली नहीं, बहुत ही ज्यादा आपको जो है एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एंड जो बच्चे कोर्स का पार्ट है, फाउंडेशन कोर्स का पार्ट है, ठीक है, उन्होंने ज्वाइन किया है, उनको कुछ नहीं करना, सारी चीजें आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप पे आएंगी टाइमली समय अनुसार, उसको बस आप फॉलो करते जाएं, एंड आपको जो है यहाँ पर सफलता मिलेगी इन बच्चों को भी और सफलता मिलेगी इन बच्चों को भी, ठीक है। बस करना क्या है आपने, आपने जो है हार्डवर्क करनी है, जैसा आपको बताया जा रहा है उसको फॉलो करना है प्रॉपरली। फॉलो नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। फॉलो करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, भले ही कोर्स का पार्ट हो या नहीं हो, फॉलो करना है इसको। नहीं करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे निराशा का सामना करना पड़ेगा, लेकिन नहीं चाहते कोई भी निराशा का सामना करना पड़े, लेकिन सीटें देखिए आगे जाके कम होंगी और लोग जो है मेंबर्स जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अभी आपके पास मौका है, लगभग लगभग जो है सीटें और मेंबर्स का जो कैंडिडेट्स हैं उनका रेशियो लगभग लगभग 19-20 रहने वाला है, ठीक है। तो उसका फायदा उठाएं, अभी आपके पास अच्छा मौका है, कट ऑफ वगैरह लो रहेगा, उसका यहाँ पर आप फायदा उठाएं और जल्द से जल्द जो है 3.0 के अंदर चीजों को अपनी सिक्योर करिए, ठीक है। 3.0 में ही देखिए काफी डिफिकल्टी आने वाली है, तो आप सोचिए अगर आपने ये मौका मिस कर दिया, ठीक है, ये आपका समझ के चलिए ये आपका गोल्डन चांस है, ठीक है। अगर आपने ये मौका मिस कर दिया 3.0 के अंदर, तो आप ये समझिएगा 4.0 में तो बड़ी भारी दिक्कत हो जाएगी 2025 के अंदर, ठीक है। 2025 में काफी दिक्कत हो जाएगी आपको अगर आपने ये वाला 3.0 का मौका मिस कर दिया। बस थोड़ा सा आपको हार्डवर्क ज्यादा करना है, थोड़ी सी आपको जो है मेहनत ज्यादा करनी है यहाँ पे, ठीक है, आपको पीजीटी में आसानी से जगह मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है, कैंडिडेट्स जो है इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब इस साल मान लीजिए किसी का सेकेंड ईयर है वो तो नहीं भर पा रहा, लेकिन अगले बार 25 में वो क्या कर लेगा, उसको क्लियर कर लेगा और 4.0 में वहां पर वो बैठ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये गोल्डन मौका है, सुनहरा चांस है यहाँ पे, इसको बिल्कुल भी आप मिस ना करें। जो चीजें आपको बताई गई है, जो आपको रणनीति बताई गई है यहाँ पे आपके पीजीटी के लिए, उसको यहाँ पे फॉलो करें। अगस्त में एग्जाम होगा तो आपका फायदा है यहाँ पे, ठीक है, आपको 3.0 में जल्दी से सीट मिल जाएगी। और अगर मान के चलिए थोड़ा एक्सटेंड भी होता है तो सितंबर अक्टूबर में भी अगर जाता है तो भी आपको और समय मिल जाएगा पढ़ने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई ऐसा हो जरूरी नहीं है, सभी ये चाहते हैं कि अगस्त में परीक्षा हो जाए ताकि नियमानुसार हर साल जो है अगस्त में टीआरई की परीक्षा होती रहे, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, एंड इसी के साथ ये थी आपकी कंप्लीट स्ट्रेटेजी, कंप्लीट थी आपकी रणनीति। और क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आपको जो है और आसानी हो यहाँ पर पीजीटी के अंदर, ठीक है। ओके, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बात करेंगे किसी और विषय के बारे में, तब तक के लिए।